Hi guys, this is Digvijay Singh Rathi and you are watching me on Delhi Khazana. Welcome to Delhi Khazana. This is me, Inga Pandey. आज मैं जिंदगी के बहुत सारे टैलेंट हैं और ऐसे एक्सपीरियंस लाके डिजर्विंग हूँ. दिग्विजय सिंह राठी, तेज आपका स्वागत है टेली खजाना में. सबसे पहले तो आपको मैंने मैंने कॉन्वर्सेशन करना चाहिए क्योंकि ऑडियंस का बहुत प्यार मिल गया. आपको क्या कहना चाहेंगे इसके जो फीलिंग मिला है? मजा आ गया, ऑनेस्टली मजा आ गया. इतना लोगों का प्यार देख के रियलिटी शो में आप ज्यादा एक्ट नहीं करते हो या अपनी पर्सनैलिटी दिखाते हो. दिग्विजय दिखा रहा है और उसको प्यार कर रहे हैं, तो मतलब लोग मुझे ही प्यार कर रहे हैं, ना कि मेरे क्राफ्ट में प्यार कर रहे हैं. तो that is very special feeling for me. मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा. के फैमिली वाले क्या रिएक्शन था? क्या रिस्पॉन्स था चंडीगढ़ से? तो वहां पे क्या माहौल है? तो चंडीगढ़ में छा गया? हाँ बिल्कुल, वहां पे सब दोस्तों के साथ मैंने फिनाले वगैरह देखा, सब भी बहुत ज्यादा खुश हैं. बहुत से चंडीगढ़ में बहुत दोस्त रहे हैं मेरे, बहुत लोग मैसेज कॉल्स आ रहे हैं, बट कभी मैं पिक नहीं कर पा रहा हूँ. बिजी इतना माहौल है एंड अगर आप लोग देख रहे हो तो भाई जेन्युइनली फोन रुक नहीं रहा है. एंड अगर नहीं कॉल उठा पाए तो आई एम सॉरी. जब टाइम मिलेगा आई डेफिनेटली अप्लाई. ओके दीदी, आपकी जर्नी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही रोलर कोस्टर जैसी जर्नी रही है मेरी. मतलब इतने अप्स एंड डाउन्स रहे हैं जर्नी में कि संभालने बहुत ज्यादा मुश्किल हो गए एक टाइम पे. बट इन द एंड आई फील जो होता है अच्छे के लिए होता है, वो मैंने रियलाइज करी चीजें. मजा आया मुझे. ओके अभी जो मैंने एक जगह पढ़ा कि आपने स्टेटमेंट दिया था कि जब जनरेट्स में अभी जाओ मैं मिला था कहीं ना कहीं बस सच है क्योंकि जितने भी ऑडियंस आपको प्यार देता है वो विनर बनेंगे. शायद ऐसा पहली बार हुआ होगा स्टेट से लगे इस जिम बिल्कुल. मैं जो क्लोज दोस्त होते थे उनसे बात वगैरह करता था कि भाई चांस मिल जाए मैं फाड़ दूंगा. रोडीज में मैंने बोला, स्प्लिट्स में भी बोला पहले ही दोस्त को, और एक वो अंदर बिलीव था कि हाँ भाई मैं कर जाऊंगा क्योंकि आई नो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई एम. और वैसा ही करते मुझे निकल के आता और वैसे ही दिखता तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा प्यार मिलेगा और सीन पूरा खिला देंगे. ये बात नहीं होती थी जाने से पहले एक्सपेक्टेशन थी कि इतना ऑडियंस का प्यार मिलेगा, इतना सच में आप सेशन में आकर हैंग कर लेंगे, ड्रिंक कर लेंगे. मैं ऑनेस्टली इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था जितना प्यार मिला है. से हाफ जनरली से हाफ सोच रहा था कि यार इतना तो मिल जाए तो मजा आ जाए, बट उससे दुगना ही प्यार दिया है लोगों ने. एंड मेरे पास वर्ड्स नहीं है थैंक यू बोलने के लिए. लोगों ने इतना प्यार दिया कि मजा ही आ गया और आगे और ज्यादा मजा आएगा. बस ये प्यार बनाए रहना. डाले कि किसी और की वजह से मेरा भी चांस आ रहा है टाइटल ले जाने का. बट हाँ ऑल्सो अंडरस्टैंड कि एक कपल शो है तो फिर अगर आपके पार्टनर ने कुछ ऊपर नीचे तो आपको भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है. वही हुआ, डेफिनेटली बहुत हर्ट था मैं एंड अभी भी कहीं ना कहीं मन में वो चीज है बसी हुई है. वो निकलने में बहुत टाइम लग जाएगा बट आई एम हैप्पी लोगों का प्यार मिल रहा है एंड जो लोग भी उसकी तरफ हेट थ्रो कर रहे हो इट्स डन गाइस. वो हो चुका है, उसने वो किया जो उसे सही लगा. बट इट्स ओके यार, कोई बात नहीं, इतना हेट मत दो, इतना गालियां वालियां मत दो. इट्स ऑल डन एंड डस्टेड, लेट्स मूव ऑन. साथ में हेलो अभी भी आपको चाहते हैं सॉरी नहीं बोल रही हूँ उल्टा बोली जा रही फैंस के लिए. अभी इस कैरी आपकी सिंपथी गेन करने का इल्जाम लगा है कि एलिगेशन ठीक है. जनरली मेरे को समझ नहीं आ रहा मतलब क्या ही बोलूँ इस पर. लोगों को समझ आ रहा होगा कि भाई वो क्या कर रही है और क्या चीज कर रही है. उसे खुद को समझ आनी चाहिए, ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है. एंड कुछ नहीं मिलता है लोग गालियां देख के और फिर नरेटर चेंज करने की कोशिश करके झूठ बोल के कर लो जितनी कोशिश करनी है. बट ऑडियंस बहुत समझदार है, उन्हें सब समझ आ रहा है कि क्या चल रहा है क्या. आप पहले तो बहुत ज्यादा हर्ट थी, कल बोल रही थी नहीं
talk to the team कि भाई ये क्या twist है, so not fair, ये not done, ये वो ये सब सब ऐसे. फिर थोड़ी देर बाद और वो गई, उन्होंने जाके उन लोगों से बात करी तो फिर वो मेरे पास आई कि it's okay, people will love you outside, वो सब चीजें सब आई and don't stop here, you have so much potential, आगे जाके और काम करने का मतलब उन्होंने motivate किया मुझे आगे. पर भी recently post डाल के फिर उन्होंने बोला कि she's proud of me, like and she's open to my mom, I'm proud of me and definitely my mom is also proud and it's an amazing feeling. काफी टाइम पहले शूट हो गया तो कैसे भी जज्बातों को आपने कंट्रोल किया कि मतलब एपिसोड कैसे कहाँ से लग गया? नहीं, बहुत मुश्किल था ये कंट्रोल करना क्योंकि मेरे घर पे भी कुछ बताया नहीं था क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, क्योंकि वो खुद नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं बात, इसलिए मैं फिर आगे उन लोगों के साथ देखा है. मैं वेट कर रहा था कि फिलहाल एपिसोड कैसा आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा एंड इतना प्यार लोगों शायद मिला तो कहीं ना कहीं कुछ सही चीजें मिल गई होंगी. तो मेरा नाम मेरी हाँ मुझे नहीं याद, मुझे नहीं याद कि उसने मुझे सॉरी बोला, और क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इमोशनली ओवरलोड था शायद मुझे याद भी ना हो चीज क्योंकि उस मोमेंट ऐसा था, बट एज ऑफ आई रिमेम्बर उसने सॉरी नहीं बोला मुझे. बल्कि अभी भी तीन चार बार ऐसा रहा है कि एक ही रूम में हम एक ही एनवायरमेंट रहे, बट जब भी वो वैसा कोई जेस्चर मुझे उसके साथ चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल, आई डेफिनेटली से आकृति का बहुत इम्पैक्ट रहा है शो में, शी डिड वेल, इवन जसवंत वो एक बहुत अच्छा परफॉर्मर है एंड दे डिजर्व इट. अभी मैंने अपना रिसेंटली कोर्स लॉन्च किया जो मैं खुद बहुत टाइम से करना चाह रहा था कि भाई जो लोग ऐसे रियलिटी शो साइड जाना चाहते हैं उनके लिए एक कोर्स लॉन्च किया. अगर आप लोग मैंने वो आप कोर्स चेकआउट कर सकते हैं, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू एंड अपना काम तो चल रहा है साथ में, और चीजें कुछ कुछ आ रही हैं जिनके बारे में बात नहीं कर सकता हूँ, बट चीजें होने वाली आगे और डेफिनेटली ऑडियंस को बहुत मजा आएगा. मेरे लिए वैसे की इंपॉर्टेंस कितनी उसके बाद और कितनी बड़ी बिजनेस लग गई काफी अच्छी थी. उस वजह से कोई पैसे की इम्पोर्टेंस ऐसे ज्यादा नहीं पड़ी, बट हाँ ऑब्वियसली मतलब मैं ये बोलूंगा कि पैसे इम्पोर्टेंट नहीं है लाइफ में, इट इज इम्पोर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल जनरली कोई इंसान लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता है और उसके घर में किसी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, कुछ ऐसा डिजीज हो जाता है, तो उसमें पैसे काम आते हैं. किसी की जान जाने में भी आज के टाइम पे पैसे काम आते हैं, पैसे इम्पोर्टेंट है डेफिनेटली, बट इट इज नॉट एवरीथिंग. मतलब मेरे लिए तो वो सब कुछ नहीं है, much better things जिनसे मुझे और ज़्यादा proud feeling होगी या अपने लिए अच्छा feel होगा, तो वो चीजें थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी लगती हैं मुझे. क्लेरिफिकेशन में नहीं देना चाहता, लोगों ने देख लिया पेपर नो इट बेटर, उसे जो सही लगा उसने किया एंड जस्ट लेट इट बी. मतलब लोग पता लग चुका है, लोग समझदार है, मैं इसमें और आग में घी डालने वाले काम नहीं करना चाहता. उन्नति यहाँ कितना सपोर्ट किया उस टाइम कितना सपोर्ट किया मेरे को. मेंटली जब मैं स्ट्रेस व्रेस में होता हूँ तो फिर वो ईज डाउन करने में काफी ज्यादा हेल्प करते हो, पब्लिक सी है कुछ ना कुछ करते रहते हो ऊपर नीचे, तो मैं भी वो सारी टेंशन भूल गई टाइम पे, उसके साथ बच्चा बन जाता हूँ कि हाँ मस्ती करो जिंदगी में सारा टाइम ये प्रेशर लेना है और काम में ध्यान देना है, तो उस तरीके से वो बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं. आपके साथी थे शो के टाइम, आई फील हमने उन्हें ज्यादा एंजॉय नहीं किया ऑनेस्टली, क्योंकि मैं गेम में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व था, प्रेशर था और उसको भी बहुत चीजें पहुंचे थी, बट शो से बाहर आगे हमने बहुत एंजॉय किया, हम घूमने फिरने हम भी बातें बातें करते हैं और मजा आता है. आपका बहुत आ रहा है, जाएंगे या नहीं जाएंगे, अगर ऑफर होता है जाएंगे या नहीं जाएंगे.
डिपेंड करेगा चीजों पे कैसे चीजें टर्न आउट कर रही हैं. इफ थिंग्स गो राइट तो डेफिनेटली मतलब मेरे को मजा आएगा. एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है. सबको नहीं चांस मिलता कि भाई इतने सारे कैमरास के बीच में 3 महीने बिना फोन के रहने का और आपके एपिसोड्स टेलीकास्ट हो रहे, तो एक कॉन्सेप्ट ही बहुत यू नो थ्रिलिंग सा लगता है. इफ आई गेट अ चांस डेफिनेटली आई विल थिंक अबाउट इट एंड इफ थिंग्स गो राइट और सब सही चलता तो फिर मजा बहुत आएगा. ओके, इन फैक्ट अब कशिश पे जाते साथ में एंटर करने का मौका मिलता तो जाएंगे या नहीं जाएंगे? भाई मैंने तभी बोला मैं सोचना पड़ सकता है कि क्या चीजें होंगी क्या नहीं होंगी. लेट्स सी क्या होता है. चाहते चाहते फैंस के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच गाइस इतना सारा प्यार देने के लिए. आई एम सो ग्रेटफुल. मतलब मजा ही दिला दे रहे हैं आप लोगों ने ना. तो ट्रॉफी जीतने से जितना मजा आता है फील उससे ज्यादा मजा आप लोगों ने वैसे दिला दिया मुझे. एंड कीप सपोर्टिंग लाइक दिस एंड मैं ट्राई करूंगा कि मैं कभी आपको निराश ना करूं. थैंक यू गाइस. क्योंकि आप इतना प्यार झूठ रहे हो ऑडियंस के जैसे आप विराट कोहली के लिए तब ऑडियंस आपके लिए आ सकती है. हां उस दिन वो एक हमारा चर्चा जो हुआ था उस दिन भी वो स्टेज पे एकदम से भाग के मुझे कर लिया और सिक्योरिटी थी तो कह रहा भाई आपने विराट कोहली के लिए किया था मैंने आपके लिए कर दिया. मैं कहा भाई आराम से. तो बहुत ही अच्छा लगता है कि भाई लोग इतना ज्यादा प्यार कर रहे हैं कि ऐसे भाग के आगे मुझसे मिलना चाह रहे हैं फोटो के लिए तरस रहे हैं. तो इट डेफिनेटली फील्स वेरी ओवरवेलमिंग कि शायद कुछ अभी थोड़ा अच्छा किया होगा कि लोग इतना ज्यादा प्यार करें. दीजिए इतना डेयरिंग कहाँ से आया कि स्टेडियम में चले जाते हैं? नहीं गटसी तो मैं बचपन से रहा हूँ. मतलब कुछ कुछ चीजें होती रही हैं जैसे भूल लड़ाई झगड़ों वाली बात भी बोली कि मैं 15-16 साल की उम्र में छोड़ चुका हूँ तो वो सब चीजें निकल चुकी हैं मेरी लाइफ से. और डेयरिंग चीज अब मेरा थोड़ा सा फोकस शिफ्ट हो गया है. मैंने स्काईडाइव की थी और अब मेरा प्लान है जब भी मेरे पास टाइम होगा और थोड़े ठीक ठाक पैसे होंगे तो मैं सोलो स्काईडाइव सीखने जाऊंगा.